तो हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज मोल। तो मोल को डिफाइन कर रहे हैं, मोल इज जस्ट अ काउंटिंग यूनिट। तो जैसा कि आप चीज़ों को गिनने के लिए एक डेली बोलचाल की भाषा में कई सिंबल यूज़ करते हो, जैसे बहुत पॉपुलर एक सिंबल है डजन। वन डजन का मतलब आप कहते हैं 12 ऑब्जेक्ट्स आर देयर, तो हम उसको वन डजन का नाम दे देते हैं। तो वैसे ही हमने एक सर्टेन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर उनको काउंट करने के लिए एक बहुत बड़ी यूनिट डिफाइन की हुई है, जिसको हम मोल का नाम देते हैं। और ये सिर्फ काम आती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को गिनने में, जैसे एटम, मॉलिक्यूल या आयंस को गिनने में। तो डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि वन मोल ऑफ एनी कंपाउंड कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 अगर हम ले लेते हैं, इस आइसोटॉप का हम 12 ग्राम ले लेते हैं, तो इट इज फाउंड दैट इट इज हैविंग 6.022 × 10²³ एटम्स। ये जो नंबर है, दिस नंबर इज कॉल्ड एज अवोगाड्रोस नंबर और इसका सिंबल है Na। इसके बारे में हम पहले के वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो Na एटम्स पड़े हुए हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में। अगर इतनी ही स्पीसीज, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर Na स्पीसीज किसी भी चीज की होगी तो हम उसको वन मोल का नाम दे देंगे। उस सैंपल को, उस सेट को हम वन मोल का नाम दे सकते हैं। यानी कि समरी ये है कि वन मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10²³ स्पीसीज। अभी स्पीसीज का मतलब क्या है? एटम्स या मॉलिक्यूल या आयंस, इनको हम क्या नाम देते हैं? स्पीसीज। तो वन मोल कंटेन्स Na स्पीसीज। जैसे फॉर द एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ वन मोल हीलियम की, तो इसमें इतने एटम्स होने चाहिए। वन मोल हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, इसमें इतने ही मॉलिक्यूल होने चाहिए। वन मोल एच प्लस की बात कर रहा हूँ, इसमें इतने ही आयंस होने चाहिए। और ये नंबर आपके दिमाग में होना चाहिए, इतनी स्पीसीज होनी चाहिए उस सैंपल के वन मोल में। मैंने कहा वन मोल इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6.022 × 10²। अब देखिए डेली जो है, डेली बोलचाल में जैसे वन मोल एप्पल ले लेता हूँ मैं, तो इस सैंपल में एप्पल होने चाहिए, और कितने एप्पल होने चाहिए? 6.022 × 10²। एप्पल यदि होंगे तो हम उसका वन मोल का नाम दे देते हैं। तो मेरे पास एक फार्मूला आता है कि अगर नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो जितनी भी स्पीसीज पड़ी है डिवाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर करेंगे। यानी फार्मूला है एन अपॉन एन ए। एन है नंबर जो दिया हुआ है हमें। अगर ये बोलता है कि इतने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं, हाउ मेनी मोल्स आर देयर, तो ये मुझे बोल रहा है नंबर के बारे में, यानी कि एन स्पीसीज आर देयर। मैं सिंपली क्या करूंगा, जितनी स्पीसीज है डिवाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर कर दूंगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए। एक सावधानी रखेंगे, कहीं भी 1 ग्राम ग्राम एटम वर्ड आ जाए, ग्राम मॉलिक्यूल वर्ड आ जाए या ग्राम आयन वर्ड आ जाए, इसका मतलब हम समझेंगे कि ये मोल के बारे में बात कर रहा है। जैसे मान लो हमें बोल दिया 20 ग्राम मॉलिक्यूल O2, 20 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2 आर प्रेजेंट, तो आप क्या करोगे, इसको काट के इसकी जगह कौन सा वर्ड लिख दोगे? मोल। तो 20 ग्राम मॉलिक्यूल मीन्स 20 मोल ऑफ O2। एक क्वेश्चन करना है अपन इस पर। अगर ये बोला गया है कि व्हाट इज द मास ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन, तो पहले तो हम ये पता लगाएं कि वन मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें Na इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10²³ kg। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन के मास से, तो मेरे पास आ जाएगा द मास ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही यदि मुझसे पूछा है कि व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले तो हमने पता किया कि कितने इलेक्ट्रॉन है, 6.022 × 10²³ इलेक्ट्रॉन आ दे। हमें पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.602 × 10²⁻¹ कूलम। इतने इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन। तो अभी हमने सीखा है कि वन मोल का मतलब Na स्पीसीज होता है, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयंस हो।